सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में स्मैक तस्करों का बड़ा गिरोह है। कई गांवों में स्मैक बेची जाती है। पुलिस यहां पर लगातार कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस स्मैक तस्करों का पीछा कर रही थी, तभी गंगोह पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर नमाजपुर मोड़ पर खेत में घुस गई, जहां पर काम कर रहा किसान गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे किसान को काफी चोटें आई हैं। साथ ही एक दरोगा भी घायल है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। थाना गंगोह को सूचना मिली थी स्मैक की, जिसमें यहाँ पर थाना गंगोह द्वारा जो आदमी था जिसके पास सूचना थी उसको पकड़ा, उसको पकड़ कर यहाँ से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी जो है बगल खेत में पलट गई। थोड़ा सा वहीं पर एक जो खेत में काम कर रहा था व्यक्ति, उसके चोट लग गई और इस दौरान हमारी जो गाड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में बैठे दरोगा जी उनके भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। हमने तुरंत ही तत्काल जो है इसमें जो काम उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाया है, दरोगा जी को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। बस्ती में वीवीपैट और फॉर्म 17 लावारिस हालत में मिलने के बाद संत कबीर नगर में विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा लिया। सपा बसपा और आम आदमी पार्टी के लोगों ने ईवीएम जहां रखी गई है ठीक उसके सामने टेंट लगाकर दिन रात ईवीएम की रखवाली करने का निर्णय लिया है। विपक्षी पार्टियों की माने तो उनका भरोसा प्रशासन से उठ चुका है। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये टेंट क्यों लगा के पड़े हैं? हम आप हमारे यहाँ पर चाहे जो हो, चाहे जिसकी सरकार रहती है। अब बताइए, यहाँ पुलिस खड़ी है, लगभग 10 पुलिस है, यहीं आके एसपी आ जाए, क्या पुलिस बोल पाएगी?